कोतवाली पुलिस और डायल 100 ने जुओ और सट्टो के दो अड्डों पर दबिश देकर 10 लोगों को पकड़ा है। उज्जैन रोड ब्रिज के पास दबिश के दौरान भारी पुलिस बल देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। मौके से 4 लोगों को पकड़ा गया। इसी तरह गजरा गियर्स चौराहे पर स्थित झुग्गी बस्ती में दबिश दी। यहां जुआ खेलते 6 लोगों को पकड़ा गया। मौके से कार और 2 पहिया वाहन भी मिले। कोतवाली TI उमराव सिंह ने बताया कि 4 लोगों को सट्टा खाई वाली करते और 6 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा गया। झुग्गी बस्ती में खारी बावड़ी का निवासी सईद खान जुए के अड्डे का संचालन कर रहा था। उसका मकान तोड़ने की कार्रवाई पुलिस करेगी। मौके से 5,000 रुपए नकदी भी जब्त हुई है। मौके पर मिली कार की तस्दीक की जा रही है। कोतवाली पुलिस द्वारा आज करीबन 14 लोगों के बल के द्वारा और FR भी अलग से हम ले गए थे दबिश दी गई उज्जैन ब्रिज के नीचे, जहां 5 लोगों को युवा सट्टा खेलते हुए रंगे हाथों तो पकड़ा गया। कुछ भाग भी गए वहां, क्योंकि मजदूर थे 50-60, तो भगदड़ मच गई थी। उसके बाद फिर हमने गंगा गए झुग्गियों में दबिश दी, तो वहाँ ताश पत्तों को खेलते हुए 6 लोग मिले हैं, जिन पे 13 जुआ का प्रकरण बना रहे। काफ़ी मात्रा में मोटरसाइकिल और कार भी एक मिली है, उसकी भी तस्दीक कर रही है वो किसकी है, उनको भी हम जब्त करेंगे। 4 तो सट्टे वाले हैं और 6 लोग जुआ वाले हैं। कुछ वहाँ पर भगदड़ मच गई थी, वहाँ भी महिलाएं बच्चे बहुत सारे आ गए थे, आप लोगों ने भी देखा, मीडिया वाले भी वहाँ उपस्थित थे। और भी तस्दीक कर रहे हैं, उसका घर भी नाम पता कर लिया है जो चलवा रहा था, और सही कहाँ है कोई खारी बावड़ी का, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई करवाएंगे। करीब हम 5,000 के लगभग हैं खुल्ले और ये सब नोट में ला के जो जब्त हुए हैं दोनों केसों में, और ताश पत्ती और सट्टा सामग्री भारी मात्रा में मिली है। सर एक कार भी जो जब्त की गई, तो क्या संदिग्ध कार है सर वो? हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कोई जुगा खेलने आया होगा बाहर का, उसकी गाड़ी है वो।